मेरे प्यारे नेत्रहीन भाइयों और बहनों, चैप्टर 10 श्लोक 20 से 27। यहाँ पे श्री कृष्ण समझाते हैं कि तीन प्रकार के लोग होते हैं। सोम पीने वाले पाप रहित रहकर यज्ञों के द्वारा ध्यान कर सभी स्वर्ग में जाने की प्रार्थना करते हैं। अपने पुण्यों को साधकर इंद्रलोक के देवी भोगों को वे भोगते हैं। स्वर्ग लोक के विशाल भोगों को भोग करते हुए पुण्य को कमजोर होने पर वे फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तीन प्रकार के धर्म के आश्रय में कामना को करते हुए आने जाने में ही लगे रहते हैं। अन्य लोग जो विचार करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझ में रमे रहने वाले उन लोगों की प्राप्तियों की जिम्मेवारी मैं ही लेता हूँ। कुछ लोग देवताओं को पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति उन्हीं में होती है, वो भी मेरी ही पूजा है, भले वे विधि पूर्वक ना हो, क्योंकि सभी यज्ञों को भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ। परंतु जब वे मुझे तत्व से नहीं पहचानते, वे भटक जाते हैं। पत्ते, फूल, फल, जल या अन्य जो कुछ भी मुझे प्रेम भाव से अर्पित करता है, मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। अर्जुन, तू जो भी खाता है, जो करता है, यज्ञ करता है, देता है या तप करता है, वह सब ऐसा कर जैसे मुझको ही अर्पण कर रहा है। ऐसा करने से तो शुभ और अशुभ और कर्मों के बंधन के फल से मुक्त हो जाएगा, अपने को दृढ़ता से स्थापित रखता हुआ मुझको प्राप्त हो जाएगा।